HTML HTML स्टार्ट ना कैमरे में पूरा नहीं आ रहा कैमरे में पूरा आ जा भाई देखेगा गाली मारेगा हाँ इसके बाद क्या होगा HTML के बाद टैग के बाद आते हैं एलिमेंट नहीं नहीं इसका जो स्ट्रक्चर लिखा जाता है HTML का स्ट्रक्चर पता है ना हेड टाइटल बॉडी वैसा करके टाइटल बॉडी हाँ ध्यान नहीं देखते थे देखे थे तो पता नहीं है अच्छा कोई दिक्कत ये हो गया इसके बाद ही फिर टाइटल अभी टाइटल क्लोज होगा फिर बॉडी में जाएगा नहीं अभी हेड क्लोज होगा हेड क्लोज हाँ फिर बॉडी स्टार्ट होगा बॉडी क्लोज ये हमारा स्ट्रक्चर HTML का स्ट्रक्चर अब इसमें जो मैंने कह दिया कि ये HTML है या फिर हेड है टाइटल है बॉडी है ये रिप्रेजेंट क्या करेगा मतलब अगर हेड स्टार्ट करते हैं हाँ तो मतलब हेड का मतलब क्या है टाइटल का मतलब क्या है बॉडी का मतलब क्या है ये तो HTML में समझ में आ रहा है कि HTML में लिखा गया है इससे पहले भी एक चीज़ और यूज़ होता है वो होता है डॉक टाइप जब आप यूज कीजिएगा ना हाँ डॉक टाइप बताता है ये जो डॉक टाइप यूज होता है ये बताता है कि HTML मतलब HTML यूज किया गया है या फिर कोई और लैंग्वेज यूज किया गया है और दूसरा चीज बताता है HTML का कौन सा वर्जन यूज किया गया है HTML अभी 5 ज़्यादातर 5 हम लोग यूज करते हैं तो HTML यूज किया गया है और HTML में कौन सा वर्जन यूज किया गया है वो बाय डिफॉल्ट जो ब्राउजर जो भी एडिटर हम यूज़ करते हैं ना ज़्यादातर वो ऑटो ले लेता है तो उसमें ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है हेड पे देखते हैं हेड का काम क्या है हेड डिफाइन करता है तो आपका हेडिंग क्या है आप जो भी जो भी हाँ उसका हेडिंग क्या देना चाह रहे हैं ये टाइटल हाँ ये टाइटल जैसे कि हम लोग साइट कोई भी ओपन करते हैं उसमें उसके हेड पे लेके जाते हैं जो खुला हुआ होता है उसमें देखते हैं टाइटल जैसा शो करता है जैसे उसके हॉवर लेके जाएंगे कर्सर लेके जाएंगे वो एक फ्लैश होता है कि इसका नाम क्या है इसका टाइटल उन्होंने क्या लगा रखा है ये हो गया हेड और टाइटल और बॉडी तो मैंने बता दिया क्या बॉडी जो प्रोग्राम के हाँ बॉडी सारा कुछ इसी बॉडी में ही होना है जो कुछ भी होना है काम इसी बॉडी में होना है हाँ इसी बॉडी में हमारा प्रोग्राम लिखा जाना है कोड लिखा जाना है जो कुछ भी लिखा जाना है क्लियर और कुछ कभी टेस्ट करते हैं